वेलकम फ्रेंड्स, आज हम क्लास टेंथ में इंग्लिश के सेशन में हम आज पढ़ेंगे फायर एंड आइस। इसको लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो अमेरिका के कवि थे। उनका जन्म अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को नामक स्थान पे हुआ था 1874 में। उनके पिता जो थे वो अखबार के संपादक थे और उन्होंने 19 साल की आयु में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने खुद लिखना शुरू किया था और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखी हैं। इस कविता में वो ये बता रहे हैं, वो इस कविता में वो कभी अपना विचार बताते हैं कि जो ये संसार है वो नष्ट हो जाएगा और वो इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है, सभी को एक दिन मरना है, यही वास्तविक सत्य है। यह कविता जीवन की सार्वभौमिकता का संदेश देती है कि हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है। हम आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं, नफरत करते हैं, ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं, लालच करते हैं, ये सब चीज़ें जो है मानव को नष्ट कर सकती हैं। और ये दुनिया जो है आपस में ही भाईचारा ना रखेगा तो आपस में ही मतलब लालच, रूखापन, घृणा, नफरत, इन सब चीज़ों से अगर जुड़ा रहेगा, ये सब करता रहेगा तो वो अपने आप को नष्ट कर लेगा। इसीलिए वो मानव को संदेश देते हैं कि हमें घृणा, लालच और रूखेपन यानी कोल्डनेस से दूर रहना चाहिए। ठीक है, तो घृणा को कहेंगे हेटर्ड, लालच को कहेंगे अवेरिस, AVARIC, अवेरिस। अवेरिस माने लालच और कोल्डनेस माने रूखापन। इन सब चीज़ों को दूर रहना चाहिए और भाईचारा बना के मिल बांट के रहना चाहिए। तो समरी हम यहाँ से पढ़ते हैं। द पोएट्स टॉक्स अबाउट द टू डिफरेंट बिलीव्स रिगार्डिंग द एंड ऑफ द वर्ल्ड। कवि यहाँ पे बात करते हैं दो अलग अलग उन संक्षिप्त मतलब दो अलग अलग चीज़ों के संदर्भ में बात करते हैं जो दुनिया अंत होने के बारे में सोची जा सकती है। ही सेज दैट, वो कहते हैं कि द वर्ल्ड कुड एंड बिकॉज ऑफ फायर, ये जो दुनिया है वो आग से नष्ट हो सकती है। एंड सिम्बलाइज डिज़ायर, क्योंकि जो आग है ये प्रतीक है इच्छा का, लोभ का, लालच का। तो लोग जो है डिज़ायर यानी जो लोग अपना बहुत इच्छा कर लेते हैं, ये चाहिए वो चाहिए, लोभ लालच माया में फंसे रहते हैं, तो ये चीज़ें जो यानी फायर का सिंबल है डिज़ायर से, कि डिज़ायर की वजह से लोग और ये दुनिया नष्ट हो जाएगी। और बाय आइस दैट सिम्बलाइज हेटेड, और बर्फ़ से भी नष्ट हो जाएगी, जो किसका सिंबल है, जी किसका प्रतीक है, हेटेड यानी नफरत, घृणा, ईर्ष्या, जलन, इन सब चीज़ों से दुनिया नष्ट हो जाएगी। एंड ए कूल हार्ट, और एक मतलब जो आइस है इसका मतलब है नफरत करने से है, एंड ए कूल हार्ट या कह लो कि एकदम शांत हृदय से है, एकदम शांत रह के भी कुछ नहीं होगा, शांत रहने से भी दुनिया नष्ट हो जाएगी, कुछ ना करने से, रूखापन दिखाने से भी दुनिया नष्ट हो जाएगी। ठीक है, ही फेवर्स दोज हु सेज दैट द वर्ल्ड विल एंड बाय फायर एज ही हैज सीन द इफेक्ट एंड रिजल्ट ऑफ अनकंट्रोल एंड अनएंडिंग डिज़ायर। तो ही फेवर्स यानी वो समर्थन करते हैं दोज हु, उन लोगों का जो ये कहते हैं कि ये दुनिया जो है वो आग से नष्ट होगी, क्योंकि उन्होंने देखा है इसके प्रभाव को और इसके परिणामों को, जो भी अनकंट्रोल हो जाता है आग, और जब इसका अंत ख़त्म नहीं हो पाता है और ये इसकी इच्छा बढ़ती चली जाती है, यानी आग जब बढ़ती चली जाती है, मनुष्य के लोभ लालच बढ़ता चला जाता है, तो इसका कोई अंत नहीं है, कंट्रोल में नहीं रहता है, इसलिए वो कितने लोगों को नाश कर देता है। ही गोज ऑन टू से दैट इफ द वर्ल्ड विल हैव टू कम टू एन एंड ट्वाइस, फिर वो आगे जाके कहते हैं कि अगर ये दुनिया दूसरी बार भी ख़त्म हो सकती है तो तब देन मैंने तब हेटर्ड सिम्बलाइज बाय आइस वुड बी इनफ टू ब्रिंग इट इन द एंड। तो बर्फ़ यानी नफरत भी, बर्फ़ जो कि एक नफरत का प्रतीक है, तो बर्फ़ भी इस दुनिया को अंत करने के लिए काफ़ी है। तो यानी इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाहते हैं कि ये जो संसार है ये आग से नष्ट हो जाएगा पहली बार में। कवि इसका समर्थन भी करता है,
लेकिन दूसरी बार कहता है कि ये बर्फ़ से भी नष्ट हो सकता है, जो कि घृणा नफरत का प्रतीक है। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम समाज में घृणा, लालच, रूखापन ये सब दिखाने से दूर रहें, इन सब से दूर रहें, तभी हमारा कल्याण है।